वो पाकिस्तान है। कोई ग्रह आ गया भाई हमारे ऊपर, वापस ही करनी पड़ेगी। बादल छा गए हैं यहाँ पे, यहाँ पे कह रहे हैं कि लोकल टूरिस्ट काफ़ी आता है और जो टूरिस्ट बाहर के उनको ज़्यादा पता नहीं है इस लोकेशन के बारे में। तो अच्छी लोकेशन है काफ़ी, यहाँ पे वारवन वैली में जाके तत्ता पानी का ट्रैक है जो कि कर सकते हैं। वहाँ से पेट्रोल भी कम शो कर रहा है, मिला नहीं कहीं से, यहाँ से 25 किलोमीटर के बाद मिलेगा पेट्रोल। तो अभी हम ये टॉप आ गए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑफ करना पड़ेगा बाइक को, क्योंकि इसके बाद नीचे नीचे ही जाना हमने, तो थोड़ा ऑफ करेंगे बाइक बीच बीच में, सेव करना पड़ेगा पेट्रोल। बादलों के बीच निकलते हुए मज़ेदार धमाका, तो देखते हैं कितनी देर तक नीचे चले जाती है और बाद में पेट्रोल मिले ना मिले आगे कुछ पता नहीं है। तो ये एक गांव है, जब टॉप से नीचे आते हैं घबरान, तो यहाँ पे पेट्रोल वगैरह मिल जाएगा आपको ब्लैक में अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमने अभी यहाँ से नहीं लिया क्योंकि हमने ऊपर से बिल्कुल बंद करके लेके आए बाइक टॉप से। तो अभी हम सीधा पेट्रोल पंप में ही जाएंगे, 1000 का डाल दो। NH 44 आ गया, अभी NH 44 आ गया, अब तो पूरा हाईवे है। हाँ हाँ, खाना तो श्रीनगर में खाना ना, चलो श्रीनगर में हम करेंगे ब्रेकफास्ट, अनंतनाग में करेंगे लंच, केरन में करेंगे डिनर। आने दो सालों को, बस वही डायलॉग याद आ रहा है। हाईवे आफ्टर लॉन्ग टाइम, 2 दिन के बाद हाईवे मिला हमें, मज़ा आ गया ऑफ रोड करके। वारवान का मस्ट विजिट। श्रीनगर की फीलिंग आने लग गई है, सिर्फ 30 किलोमीटर रह गया श्रीनगर यहाँ से, और आर्मी अपना काम कर रही है साथ साथ में। वो देखिए पहाड़, वादियाँ और खाली सड़कें। The next morning. Hello, good morning everyone. कल शाम को हमने स्टे किया था श्रीनगर में आके, तो आज सुबह इट्स 8:15, तो अभी हम निकल रहे हैं गुरेज वैली की तरफ। गुरेज वैली पड़ती है यहाँ से 130 किलोमीटर, 4 घंटे का रास्ता है, बॉर्डर एरिया है, तो टाइम से हम चल पड़े हैं। और ये हम गुरेज की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से अभी गुरेज लगेगा हमें लगभग 60 किलोमीटर, 2 घंटे की जर्नी है, ऊपर ही जाना कहीं पे। अच्छा भाई एक वो भी बात है, यहाँ पे कहीं वो नहीं दिख रहे थे ढाबे डुबे, है ना, कोई खाने की जगह नहीं दिख रही, ऐसे ढाबे जो हो, ऐसे दुकान नहीं है बस। बांदीपुरा चला गया क्या? बांदीपुरा आगे तो रह गया, हमने ऊपर से आ गए, हम बांदीपुरा नहीं आएगा भैया। गुरेज यहाँ से कितना है, 50? अच्छा, तो भैया गुरेज के आगे भी रोड है? गुरेज के आगे सर बाद में जो मेन दावर है, दावर उससे आगे आप 60 किलोमीटर आगे जा सकते हो दावर से। और गुरेज से दावर कितना है? गुरेज मेन गुरेज जो है दावर ही। अच्छा दावर ही, अच्छा दावर से 60 किलोमीटर, वो फिर क्या पड़ता है वो? तुलेल बोलते हैं सर। तुलेल, अच्छा वो बॉर्डर है। कहाँ रह गया रोहन?
क्या हो गया था? हाँ गिर गए, मैं पीछे आ रहा था, मुझे लगा ही था, मैंने कुछ हुआ, मैं पीछे आने लगा था। मुड़ा पैर मेरा। नहीं नीचे नीचे बाइक गिर गया? बाइक नहीं गिरा, वो मोड़ था ना। हाँ मोड़ पे बजरी थी। हाँ तो मैं रोड साइड में हो गया और वो दीवार सी बनी होती है ना, उस पे पैर लग गया, ऐसे हो गया, ऐसे से मुड़ गया। पैर मुड़ गया? मुड़ गया, मोड़ चाहिए, वो टूटा नहीं है। तगड़ा मुड़ गया? हाँ तगड़ा। थोड़ा यहाँ पे बाइक रोको, चल के देखो। नहीं चल के देखा मैं। हाँ ठीक है, हो गया ना पंगा, बता था आ नहीं रहा पीछे से। कैसा तो है? दर्द तो है। कहाँ को मुड़ा है? बाहर को, अंदर को करो, अंदर को, अंदर को मुड़ो। उधर बैठ जाओ, थोड़ा सा दर्द है? ना ना है, ऐसे दर्द नहीं है। अंदर करो तब आती है, मतलब कुछ टूटा नहीं है, है? बच गया, बच गया। मैंने काफी कम कर ली थी। दबो, खींचो मत उसको आप। कोई बात नहीं, वो शाफ्ट अटकी हुई है, नहीं निकलेगी वो। हाँ। नीचे जाएंगे तो करवा लेंगे कुपवाड़ा में। एक मिनट, राजदान पास 4 किलोमीटर। अच्छा अभी 4 किलोमीटर बचा है राजदान पास। ये भुगया लागे, मुझे लगा पीछे वाला था राजदान पास, अभी 4 किलोमीटर पड़ा है। तो मतलब कि अभी हम और टॉप में जाएंगे। रोहन के पैर में थोड़ी मोच आई है क्योंकि दीवार में वो टकरा गया, मतलब बाइक बच गया, वो खुद भी बच गया, बाइक भी बच गया, और उसका पैर लेकिन दीवार में ना स्लाइटली सा टच हुआ तो वो बेंड हो गया उसका। तो शुक्र है कि पूरा ज़्यादा स्पीड में नहीं था, कम स्पीड थी इसलिए बच गया, नहीं तो हड्डी भी टूट सकती थी। और ये है पूरी राजस्थान टॉप, पूरा व्यू दिख रहा ऊपर से 360 डिग्री। वहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है नीचे और रोहन ऊपर आ नहीं सकता, उसके पैर में लगी है चोट। और यहाँ से व्यू है 360 डिग्री। ये यहाँ से अभी 30 किलोमीटर रह गया, और इससे पहले 2 चेक पोस्ट थी, एक तो सीरियस चेक पोस्ट थी, वहाँ पे तो सब कुछ मतलब कि आपको रखना पड़ता है ड्रोन वगैरह ये सब कुछ, तो वहाँ पे हमने ड्रोन जमा करा दिया था, जाते पर्ची उन्होंने दे दी और जाते हुए हम लेंगे वहाँ से। और एक चेक पोस्ट अभी आई थी जहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अपनी एंट्री कराओ, बाइक का नंबर दिखाओ, उन्हें बताओ और निकलो आगे। तो अभी आई थी यहाँ पे तीसरी चेक पोस्ट, बस उन्होंने वही जैसे दूसरे में किया, सिर्फ नंबर नोट किया और जाने दिया। अब आई थिंक सीधा गुरेज आएगा, 10 किलोमीटर रह गए यहाँ से। तो अभी एक और चौथा चेक पॉइंट आया था पीछे, और वो भी इस तरह सीरियस था, वहाँ पे भी एंट्री वगैरह और आईडी वगैरह लेंगे, तो ऐसा है। तो 4 चेक पॉइंट आ गए अभी तक, उन्हें में काफ़ी टाइम लगे थे, 15-15 मिनट लग जाते हैं, तो इसलिए उस हिसाब से टाइम लेके चलिए सुबह। तो वहाँ पे वो दिख रहा है गुरेज, और वहाँ पे वो सामने जो स्पॉट दिख रहा है एकदम फ्लैट, वहाँ पे कैंप वगैरह लगे हुए हैं, तो उधर ही हम कैंप लगाने का सोचेंगे, उधर ही लगाएंगे, सोचना क्या। तो ये सामने है कैंपिंग स्पॉट, और सारा गुरेज दिख रहा है आगे से, ये रहा कैंपिंग स्पॉट आगे वाला। तो फाइनली रीच्ड गुरेज, टाइम हुआ है 3:16, तो अच्छा टाइमिंग रहा, सुबह निकले थे 8 बजे, तो 3:30 बजे हम पहुंच गए गुरेज में। हाँ चलो चलते हैं कैंप लग फिच करते हैं। कैंपिंग लोकेशन तो मिल गई थी यहाँ पे, लेकिन अभी रोहन का जो वहाँ पे पीछे पैर मुड़ गया था उसमें थोड़ी सोज आ गई है, तो उसको दर्द होने लग गई है, तो अभी मिलिट्री हॉस्पिटल जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलती है मेडिक्स। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, रोहन का पैर दिखाने। One hour later. तो अभी यहाँ से हमने ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टर तो कह रहे थे कि वो लगेगा प्लास्टर लगेगा नीचे, पर अभी फ़िलहाल पट्टी बंधवा ली है गर्म,
और यहाँ पे होटल भी उन्होंने करवा दिया, डॉक्टर साहब काफ़ी बढ़िया थे गुरेज में, डॉक्टर इम्तियाज़। तो उन्होंने यहाँ पे हमें स्टे भी करवा दिया और इलाज भी काफ़ी अच्छा किया, मतलब कि पूरे तरीके से। तो अभी ये देखिए इसका पैर का पूरा काम ख़राब है, चला भी नहीं जा रहा अभी। अब पता नहीं भाई कैसे चलाएगा। तो वो तो बड़े एक्साइटेड हो गए डॉक्टर जी, कह रहे भाई कि आपके पास एडवेंचर फ़ोटो खिंचाओ, बट मेरे साथ ये करो, मतलब कि कौन सा चैनल है ऐसे, मैं सब्सक्राइब भी करूँगा। काफ़ी अच्छा था एटीट्यूड उनका, मज़ा आया उनसे बातें करके। तो वापसी ही करनी पड़ेगी यहाँ गुरेज से। आ जाओ। तो यहाँ पे एक होटल था, भैया बात हुई ना डॉक्टर साहब से? हाँ। कौन सा भैया रूम? ये वाला? अच्छा, सीढ़ियाँ चल लोगे? सीढ़ी 5 सीढ़ियाँ हैं। ये रूम है यहाँ पे गुरेज हाइट में लिया है। तो हाँ वो अभी क्या कर रहे हैं, मेडिसिन ले लिए रोहन के लिए, अब रोहन को दूंगा। और मुझे लगी है बहुत भूख, मैं निकलता हूँ अभी यहाँ पे, कैफ़े नहीं तो बंद हो जाएंगे सारे 7 बजे तक। कॉल कॉल तो नहीं है? ये लो, ये तुम्हारी पर्ची है, ये मेडिसिन है, 3 दिन की लिया अभी मैंने, ठीक है? तो ये सिंगल वाली खाली पेट खानी है रोज़ सुबह, और ये दो हैं ये खाने के बाद दोनों, ठीक है? सुबह शाम मैं आया कैफ़े होके तुम्हारे लिए ले आऊँगा। मैं क्या लाऊँ? ठीक है। तो भैया अब ये मेरा भी फ्रैक्चर कराना था इसने बंदे ने, अगर मैं ब्रेक ना डालता स्किड मत मारता। हद ही है, कोई ग्रह आ गए भाई हमारे ऊपर, वापस ही करनी पड़ेगी। ये कैफे सुना है इसके बारे में काफ़ी, देखते हैं क्या हिसाब किताब है यहाँ पे। तो यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं गुरेज में, चाय है, रोहन कर रहा है रेस्ट यहाँ पे। अभी अच्छी रिकवरी है, अभी अच्छा चल पा रहा है, रात से काफ़ी बेटर है। और हमने मंगवाई थी चाय, चाय के साथ एक कश्मीरी कश्मीरी यहाँ पे मिलती है रोटी, नान है और बटर लगाया, नमकीन है ये, तो ऐसा मिलता है कुछ यहाँ पे। तो इस पेट्रोल डलवाते हैं और गुरेज से थोड़ा आगे जाके देखते हैं क्या मिलता है। ओके फिर मिलते हैं, रेस्ट करना, ज़्यादा एडवेंचर मत करना। जब तक रोहन मैंने सोचा रेस्ट करेगा एक दिन के लिए, तो मैं थोड़ा आगे हो आता हूँ। जब आए ही हैं इतनी दूर, तो अभी बस गुरेज वैली से आगे जाएंगे, एक वैली आती है तुलेल वैली, तो देखते हैं वो कैसी लगती है। और मैं पीछे जा रहा हूँ थोड़ा सा पेट्रोल डलवाने के लिए। ये एडवेंचर हो रहा है भाई, बीच में नदी के बीच में चल रही है गाड़ी, वाह वाह वाह। वो नीचे पानी है और ये है ऊपर हब्बा खातून, ये सारी पीक को कहते हैं हब्बा खातून। तो एनीवेज नीचे भी जा सकते हैं उसको देखने के लिए, पर ठीक है, कोई इतना पानी कोई फ्लो इतना ज़्यादा नहीं है,
तो निकलते हैं अभी यहाँ से, हम जाएंगे तुलेल की ओर। इसका जो शेल्फ है वो नहीं चल रहा, कोई पता नहीं साइड स्टैंड जो है वो किक इन कर रहा है, तो सेंसर माल फंक्शन हो रहा है। ये बचेगा कि अभी उतराई थी, अभी बंद होगी तो स्टार्ट नहीं होगी। ये पता नहीं क्या पंगा हो गया है किक स्टैंड साइड स्टैंड का, जब सेल्फ दबाओ तो ऐसा आ रहा है कि साइड स्टैंड लगा हुआ है कुछ ऐसे। तो फिर मैं टॉप पे था, मतलब कि फिर मैंने पहाड़ी से ऐसे ही नीचे करके गियर डाल दिया, तो तब तक वहाँ से तो मैं इधर आ गया। फिर मैंने कहा आगे नहीं जाना, अभी देखता हूँ। तो फिर मैं आया था घर, वो अल्कोहल वगैरह छिड़क के देखता हूँ उसमें ना, जब कचरा वहाँ पे जम गया या कुछ हो गया, बंद नहीं कर सकता अभी मैं। पंगे बहुत पड़े हैं इस बार, चाबी देना, साइड स्टैंड किक करना, वो क्लीन करना पड़ेगा। सेंसर खराब हो गया या सेंसर में मिट्टी वगैरह जम गया। थोड़ा पानी मारा मैंने और अभी मैं मारूंगा, अल्कोहल है ये। ये और पानी मारा था अभी। तो निकलते हैं अब तुलेल के लिए फाइनली। वो जो कह रहे हैं कि वो जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना, वो वाली पहाड़ी जो इन दोनों पहाड़ियों के बीच में है ग्रीन कलर की, वो पाकिस्तान है। वो जो पहाड़ी दिख रही है ये इंडिया, दो पहाड़ियाँ बीच में जो पहाड़ी है ग्रीन कलर की वो पाकिस्तान है। खाली सड़कें टूवर्ड्स तुलेल वैली और नदी का व्यू काफ़ी ओपन अप हो गया। अभी ढलान आई है दोबारा, एक बार टेस्ट कर लेता हूँ बंद करके बाइक को, ताकि ढलान में दोबारा स्टार्ट भी हो जाएगी। ये बंद होगी क्योंकि आगे सारी ढलान है। ठीक है, बैटरी भी थोड़ी डाउन लग रही है कि यहाँ पे ना बॉर्डर एरिया नहीं है ये, एक्चुअली यहाँ से बॉर्डर दिखता नहीं है। कहीं कहीं ऐसे पॉइंट्स हैं ऑन दी वे कि जहाँ जहाँ से बॉर्डर आप देख सकते हो, लाइक जो पीछे पहाड़ी मैंने एक दिखाई थी बीच में ग्रीन कलर की, तो ऐसे पॉइंट्स है। ये प्रॉपर ऐसा बॉर्डर एरिया नहीं है जैसे कि हम वहाँ देखते हैं थांग में देखते हैं, वैसा नहीं है कि एक साइड आपको पाकिस्तान दिख जाए या दूसरे साइड पर आपको एक साइड पर इंडिया दिख जाए, दूसरे साइड पर पाकिस्तान दिख जाए। और इवन केरन में है ऐसा, केरन में आपको ऐसे ही मिलेगा, लेकिन जो गुरेज वैली है इसमें कुछ ऐसा नहीं है। वैली अच्छी है, इट्सेल्फ अच्छी ब्यूटी है, पर ऐसे बॉर्डर वाली बात नहीं है। वो पहाड़ी के दूसरे पार में बॉर्डर है जो कि आपको ऐसे नहीं दिखते, थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। तो ये शेखपुरा का ब्रिज आ गया, इसको क्रॉस करके बस वो सारा पीछे शेखपुरा ही है, दैट्स इट। तो देखते हैं वहाँ कुछ खाने पीने का है तो वहाँ ब्रंच करते हैं, कोई क्या मिलता है खाने को, भूख लग गई अब तो, 12 बज गए हैं। पास में ये 25 किलोमीटर है गुरेज से, तो यहाँ पहुँचे, एक रेस्टोरेंट है शेखपुरा में, यहाँ खाएंगे खाना। 12 बज चुके हैं, चार्जिंग हो गई है। शेखपुरा में गुरेज गली काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। ये भी राजमा की दाल है ना, राजमा दाल मिक्स है। ये यहाँ का लोकल साग, ये है राजमा दाल, लोकल है ये सारा, यहाँ पे ही सारा ये होता है, यहाँ पे ही उगाया जाता है यहाँ पे। और ये आ गया लोकल दाल और राजमा, ये आ गया चावल, और यहाँ का लोकल साग
लोकल साग और या भी चपाती दो। मेरे एक भाई साहब चटनी भी लेके आए हैं, प्याज चटनी। तो अब वापसी कर रहे हैं गुरेज की तरफ। 1.5 घंटा लगेगा बाइक से तक। ऑल गुड। दे रहा जरा पानी, पानी दे रहा, पानी पानी। यहाँ पे सेंसर का इशू है। ठंडा पानी और फेंक दिया, सेट हो जाएगा। सेंसर गंदा हो रहा है वहाँ पे।